स्वागत है मित्रों। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम C++ में दी गई डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डेटा टाइप्स का उपयोग वेरिएबल में अलग अलग तरह की वैल्यूज स्टोर करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपकी वैल्यू छोटी है या फिर अल्फाबेटिकल है तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट की साइज मेमोरी पर एलोकेट करती है। उसकी रेंज -122, 127 या फिर 0 to 255 तक की है। मतलब कि इस रेंज के बीच जो वैल्यू है वह वैल्यू आप कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। वैसे इंटीजर डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए उपयोग में आती है। इंटीजर वेरिएबल 2 या फिर 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करता है। उसकी रेंज 32,768 to +32,767 तक की है। और अगर 4 बाइट्स वेरिएबल साइज यूज कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा है। वैसे ही अनसाइन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग सभी वेरिएबल्स इस प्रकार से डिक्लेयर किए जा सकते हैं। यदि आपकी न्यूमेरिक वैल्यू लंबी है तो आप लॉन्ग प्रकार के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो दूसरी डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट मेमोरी पर एलोकेट करती है। उसकी रेंज 1.2e-382, 3.4e+38 तक की है। वह 6 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू स्टोर कर सकती है। उसी तरह अगर आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यू लंबी है तो आप डबल या फिर लॉन्ग डबल की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार की वैल्यू स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स उपयोग में ले सकते हैं। धन्यवाद।